Good evening, everyone. Welcome to Ganga Jamini's 14th Facebook Live episode. We have with us Muzaffar Ali Sahab, who is a prakhyat filmmaker, poet, artist, fashion designer, a cultural revivalist. इनके जहाने खुसरो में मैंने बहुत बार एज ऑडियंस बैठी हूँ और आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इनसे बात कर रही हूँ. मतलब मेरा ये फैन मोमेंट हो रहा है. और आज हम लोग बात करेंगे इनकी सबसे पहली फिल्म गमन के बारे में. तो गमन वॉज मेड इवन बिफोर आई वॉज बॉर्न, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इनका एक आर्टिकल आया था संडे मिरर में और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि आफ्टर 42 इयर्स गमन आज भी रेलेवेंट है. मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत वेलकम. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यू अग्रीड टू डूइंग दिस फॉर मी एंड गंगा जमुनी. एंड वेलकम ऑन आवर गंगा जमुनी एपिसोड सर. थैंक यू सर. मुझे ये बताइए कि जब आपने वो त्रिशा गुप्ता का आर्टिकल पढ़ा था, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे लगा कि कोई अभी तक सुन रहा है जो बात मैंने कभी की थी, अभी तक महसूस कर रहा है जो बात एक दिल से निकली थी, और उस बात की सच्चाई अभी तक जिंदा है बंबई की सरजमीन पे, और बंबई क्या पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे कि लोग, बल्कि ये तो बहुत ही मतलब दो अलग अलग तजाद माहौल थे. गमन का था, एक आज का माहौल है. गमन तो आदमी को मजबूर करता है जाने के लिए, यहाँ जो आज का माहौल है वो आदमी को मजबूर करता है वापस वहां जाने की जहां से वो कभी उस चीज को तर्क करके और उससे मतलब समझिए घबरा के भागा था. तो ये एक अजीब सी वहशत सी और एक दहशतनाक माहौल था. जब ये दो जुड़ते हैं तो लगता है कि सच्चाई जो है वो इंसान की सच्चाई हमेशा जो आदमी दिल से महसूस करता है वो हमेशा जिंदा रहती. तो इसको कि मैंने पढ़ा उसको और खासतौर से उसका जो उसका एक हॉन्टिंग क्वालिटी थी म्यूजिक की वो अभी तक जिंदा रख रही है. फिर मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खुद उसका जवाब एक लिखा जी. वो शायद तो आपने पढ़ा, वो भी आया था कुछ दिन बाद बॉम्बे मिरर में जी. सर वो एक जो आपका आर्टिकल था जो एक आपने लिखा भी हाल में ही, वो एक मतलब इट वाज सो पेनफुल फॉर मी आल्सो, क्योंकि एक तो आपने बहुत खूबसूरती से लिखा, उसके हर पहलू के बारे में उसमें आपने बात किया, लेकिन जैसे आपने बताया कि आप मुझे वो एक एक दो सेंटेंसेस उसमें से याद है. मैं बताना चाहूंगी कि आपने लिखा कि ये जो आपकी वोकैबुलरी, मतलब उसमें जो आपने लिखा कि एक फेसलेसनेस ड्यू टू द ट्रेजेडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये सच में बहुत हार्ड हिटिंग है, पर्टिकुलरली नाउ. आई फील लाइक इसमें आपने वो दर्दनाक जो सच्चाई, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट आजकल हमारे पास ड्यू टू सोशल मीडिया बहुत सारी और इमेजेस हैं, लेकिन आपके आर्टिकल ने जो एक पर्टिकुलर गुमनामी और जो फेसलेसनेस जो माइग्रेंट्स जो जीते हैं उसको, मतलब दैट इट ड्रोव द पॉइंट होम, मुझे मुझे बहुत इसी वजह से मैं चाहती थी मैं आपसे बात करूं. थोड़ा आप हमें उस मिल्यू में लेके जाइए जब आपने गमन बनाई. आई नो 42 इयर्स हो गए, लेकिन आपने जब बनाई थी वो फिल्म उसके बारे में कुछ बताइए. कैसे आपने सोचा, मतलब उस जमाने में क्या था, किस वजह से आपने इस टॉपिक पे सोचा मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊं? देखिए, गमन जो एक कैफियत थी उसको मैं बंबई में रह के महसूस कर रहा था, और बंबई से जो अपने गांव जाता था लखनऊ, लखनऊ के आगे कुटवारा, तो वहां के लोगों में मैं देखता था कि ये लोग लगता है कि जैसे पेड़ पे फल लगाओ और कब वो टपक जाएगा, तो हर शख्स लगता था कि अभी शायद
गमन के लिए तैयार बैठा है कि ये भी अब गांव से कब कूच करता है, क्योंकि गांव में एक अजीब सा उदासी और एक अंधेरा और एक खलासी महसूस होती थी लोगों को। और मैं जब जाता था वहां तो मुझे लगता था कि अब ये कब कौन यहाँ से कूच कर जाएगा। और फिर जब मैं शहर जाता था बम्बई, तो मुझे वो सब लोग नजर आते थे जो कभी गांव में अपने रहते होंगे सुकून से। और वो जाहिर वो ये कोई महसूस करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये वी आर लिविंग दिस ऑल द टाइम। अब वो क्यों मैं उसको महसूस कर रहा था, मे बी इट वॉज द पोएट इन मी, इट वॉज द समथिंग, आई मीन इट वॉज आई वॉज फीलिंग द प्रेडिकमेंट एंड काइंड ऑफ the break down of the of life in town and country, उसको मैं कुछ ज्यादा ही शिद्दत से महसूस कर रहा था, शायद इतना नहीं किया जाता है। अब जो हो रहा है वो तो एक अलग, इट्स अ रिपोर्टेज, हमारा एक इट्स मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन एंड इट वाज अ रिफ्लेक्शन आई बिफोर एनीथिंग लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे हैज हैपेंड यू नो। तो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर देयर वाज अ प्रोफेटिक फीलिंग जो मुझे लगता है विथ माय फीलिंग फॉर पोएट्री आई कुड फील इट मोर, बिकॉज आई मीन आई थिंक पोएट्स हैव अ वे ऑफ फीलिंग एंड प्रेडिक्टिंग एंड यू नो द पेन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड the pain of separation and the joy of union, तो ये जो चीजें हैं शायरी में इनको बहुत ज्यादा एक इनकी एक खास ये metaphors हैं और इनको महसूस किया जाता है। आजकल तो हम लोग शायरी को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, हम लोग जब हम अलीगढ़ में थे तो शायरी को हम एक इंसान के दर्द से जोड़ते थे, जिंदगी से जोड़ते थे और शायरी जी जाती थी। तो वो कैफियत मुझे जब मैं बम्बई आया तो मुझे ये महसूस हुई कि ये जो बम्बई की कैफियत है वो एक बहुत ही अजीब सी शायराना प्रेडिकमेंट है। बल्कि जब ये फिल्म बन के आई तो राही मासूम रजा ने देखी और उन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा जो एंड में उन्होंने लिखा कि मुझे भी लगा इस फिल्म को देख के कि मैं भी एक राही मासूम रजा का जो एक विकार था, जो एक पोजीशन थी, he didn't, I mean, he probably needed to do much, create much bigger literature for this country, you know. But I mean, he did what he did. But I think जो भी है बॉलीवुड में, बॉम्बे में वही चीज पसंद की जाती जो चलती है। और हम इन चीजों से थोड़ा सा हट के सोचते थे। तो दैट्स हाउ आई थिंक गमन बिकेम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रियलिटी एंड मे बी आई गॉट दिस फीलिंग फ्रॉम हैविंग वर्क्ड इन कलकत्ता एंड सीन सत्यजीत रे वर्क क्लोजली विद हिज आर्ट एंड हाउ ही कुड फील पेन एंड कल्चर इन द सेम ब्रेथ यू नो। तो बहरहाल I'm trying to say that Gaman happened in a very organic way, which I mean today it seems like it's a truth revealed before its time, you know what I mean? It's like one of those eternal things. It's something that I have to admit, kal raat ko main dekh rahi thi to aankhon mein se aansu tapak rahe the aur इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो उसकी विजुअल वोकैबुलरी, जो उसकी इमेजरी है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग है, आपके पास बहुत बहुत वक्त तक रहती है। तो सर इट वॉज जस्ट सो गुड। और आपने अपने आर्टिकल में जो बोला कि गमन का जो वो मीडियम था, जैसे आप बताया अभी कैलकटा से आया और इंस्पिरेशन अलीगढ़ से आई और जो उसका सोल है वो फ्रॉम द हार्ट ऑफ अवध, सर इस स्टेटमेंट को थोड़ा इलैबोरेट कर सकेंगे?
मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अपने आप खुद काफी गहरा और वसी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अवध का जो एक वो है सोल, वो एक बहुत ही, जैसे आप ये आप खुद ही लेके चल रही जो गंगा जमनी तहजीब को आपने आप एक आपका ये बन गया है जिसे कहना चाहिए बैनर, तो ये अवध कई तरह की तहजीबों और सभ्यताओं को का जो एक उसमें एक मिश्रण हुआ है उससे ये पैदा होती है। तो अवध को सही तरीके से समझना और महसूस करना ये बहुत आसान भी है, बच्चा भी महसूस कर सकता है या फिर बहुत बड़ा कोई बुजुर्ग महसूस कर सकता है, कहीं नहीं कहीं बीच में मुझे लगता है लोग इसको कंफ्यूज कर इसको बिगाड़, क्योंकि जब आप इंसान का दर्द देखते हैं तो फिर आपको ये नहीं महसूस हो सकता है कि ये किस जाति का दर्द है, ये किस धर्म का दर्द है। एक इंसान का दर्द और इंसान की मजबूरी जो है इसको समझना और महसूस करना एक अवध की मिट्टी में है। जब आप समझें राधा रोती हैं कृष्ण जी के जाने से और ब्रिज टूट जाता है उनके आंसू से, तो ये एक 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 मेटाफर है जो सबको अप्लाई करता है, क्योंकि वो यमुना जो है वो सबकी है, सबके लिए बहती है, सबके लिए रोती है, सबके लिए सबको ताजी हवा देती है, सबको अपने अंदर लेती है। तो इस चीज को महसूस करना जो है वो आई थिंक एक बुनियादी चीज है एक गमन तरीके के रास्ते पर चलने में के लिए। और उसी सूरत से मैं समझता हूँ कलकत्ता भी एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने अपने क्या कहते हैं, अब आप देखें ना वहां पर एक अजीब सी एक मैजेस्टी है और एक अजीब सा एक अंदाज है जो आपको फर्ज कीजिए किरदार ऐसे जैसे राजा राम मोहन रॉय जी, वो भी वेरी ग्रैंड पर्शनेट जेंटलमैन रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंड फादर, और किस तरीके से वो फारसी में अखबार निकालते थे और किस तरीके से उनके उनकी रग रग में समाज को जोड़ने का एक एक मादा था। अब उस समाज को जोड़ने का मादा जो है वो मुझे लगता है इज द एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी, और समाज को तोड़ने का मादा इज द एसेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो उसको समझना और उसको एक तरीके से अपनी अपने फन में समो लेके और अपने अपने अंदर इंटरनलाइज करके एक आर्ट फॉर्म बनाना एक 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 अपनी तरीके का एक मुजजा है, एक मिरेकल है। फिर उसी सूरत से अगर हम अलीगढ़ को लें तो अलीगढ़ जो है, जो हमारा अलीगढ़ था वो समझिए मिड 60s का से लेट 60s का, और हमसे वहाँ के मतलब हमसे पहले के बुजुर्ग वहाँ जो 10-15 साल 20 साल से हमसे सीनियर थे, उन्होंने आजादी में आंखें खोली और हिंदुस्तान के की जो शक्ल बन रही थी उसके बारे में एक फिक्र उन्होंने महसूस की। जब तक को ख्वाब में देखना या समाज की एक तस्वीर देखना कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ और उसकी फिक्र करना और उस फिक्र के साथ जीना, ये अलीगढ़ में हमें देखने को मिला। और खास तौर से वहां की जो शायरी थी, और मुझे लगता है जो अलीगढ़ में आपको हिंदुस्तान के की एक एवोल्यूशन की फिक्र है वो जो मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इक्का दुक्का लोग आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी, लेकिन इतने लोग
इतने टैलेंटेड और कंसर्न और फिक्रमंद लोग आपको मुझे लगता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। वो बात अलग है कि बहुत से लोग मुस्लिम लीग में थे, बहुत से लोगों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जो अलीगढ़ हमने देखा है, जो प्रोग्रेसिव अलीगढ़ देखा है, वो एक मतलब मुझे लगता है कोई पूरे वतन को उसको समझना चाहिए। तो ये इस वो मेरे पास एक आला था जिसको लेके मैं एक समझिए अपने अपने हिम्मत की मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद फिर जाहिर है बंबई में आके रह के और फिर उसके बाद वहां इस चीज को महसूस करना, आई यूज टू वर्क इन एयर इंडिया जो बहुत एक मतलब अपने वक्त पे एक बड़ी बड़ा ओहदा था, 18वीं फ्लोर पे मेरा ऑफिस था, वहां से मैं ये देखा करता था। तो वो शेर जहन में आता था, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, ताहद नजर एक बयाबान सकती है। तो तन्हाई और एक वीरानी, ये मुझे लगता है कि हमारा एक विरसा है जिसने हमारा साथ दिया, और हमें हमेशा यही चीजें जो मैंने अभी बयान की, यही हमारी क्या कहते हैं हम काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। आप खो गई थी? हेलो सर। Yeah, I'm here. Okay, sorry, there was a bad connection for just a few seconds. I lost you, sir, there. So, sir, आप बता रहे थे उस वक्त, मुझे एक चीज पूछनी है जो आपसे मैं बहुत साल से सोच रही थी कि कभी लिखूं पूछूं आपसे। आपने जो ये कास्ट किया था वो आपने क्या सोच के किया? मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट, क्योंकि एक तरह से ये लोग सारे अर्बन लोग थे ना जितने भी थे, और फिर आपने जो फिल्म बनाई उसके अंदर देखा अपने कोटवारा के लोगों को, बहुत सारे कोटवारा के लोग थे उसके अंदर, तो हाउ डिड यू ब्रिंग दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर? ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसमें क्या था कि यू नो आई हैव बीन ऑलवेज प्लेइंग विद पीपल एंड देयर फेसेस एंड बेसिकली प्लेइंग विद द एटीट्यूड। अगर आप में एटीट्यूड सही नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। और पहली चीज तो मुझे लगता है फारूक शेख को क्यों लिया, मुझे लगा फारूक शेख पे पहले तो एक मतलब ही हैड अ विंड ब्लोन लुक, जो मतलब दुनिया की जो के हालात हैं लगता था वो उसके चेहरे पे नुमाया होते हैं, और उसके चेहरे पे परेशानी और हवाइयां उड़ती रहती हैं। हाँ। जो एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है एक 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 वो है उसका फीचर कैरेक्टरिस्टिक है इस कैरेक्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट का। दूसरी तरफ शबाना को, सॉरी दूसरी तरफ आप स्मिता को लें तो स्मिता के चेहरे में जो एक अजीब सा की एंग्स्ट है, जो अजीब सी एक हुक है, जो एक दर्द को लेके समो के एक गांव की औरत जीती हो, ये हालांकि कोई बहुत लंबा चौड़ा रोल नहीं था लेकिन उसका एक अपना एक वो था जी। फिर बाकी जलाल आगा थे, जलाल आगा तो खैर बॉयस्ट्रस काइंड ऑफ फेलो, ही डिडंट वांट टू बी फॉर अ मोमेंट बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो जहां जाते थे वो हर 5-6 सेकंड के बाद वो ही सबको गांव में कैसे और एक आम आदमी के साथ कैसे ब्लेंड करना। तो पहली चीज थी हम लोग यहाँ से कुटवारे जो गए तो हम लोग एक जिसे कहना चाहिए सेकंड क्लास अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में गए। अच्छा। तो उसमें एक तरफ को मतलब इतने लोग हम लोग अपने थे कि हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वी प्रॉब्ली डिडंट हैव अ प्लेस टू स्लीप बट
वी वेंट अनरिजर्व्ड, यू नो, और वहीं से मुझे लगता है एक अजीब सी एक बॉन्डिंग हुई, फिर यही लोग जाके कुटवारे में लोगों में घुल मिल गए। हालांकि वहां पर जाके कुछ अजीब तरह की केमिस्ट्री, कुछ तो हमारे साथ जो लोग गए थे वो मतलब बहुत ही परहेजगार और नमाजी टाइप के थे, जैसे फारूक वगैरह, और कुछ चर्सी भी थे। तो हमें गांव में लगा जाके कि इसमें ये पूरा गांव जो है इट इज डिवाइडेड बिटवीन द पायस एंड द चर्सीज, तो वो भी आई थिंक वो भी अच्छा था उसमें भी मतलब। और फिर वो कुटवारे में रहना और घर में रहना और साथ बैठ के आग के चारों तरफ तापना और ये सब करना, उसमें एक अजीब सी ब्लेंडिंग और एक, और सारे किरदार जो हमारे गांव के थे सब गांव ही के थे जी जी, फिर तो गिव अ डिफरेंट फीलिंग। उसकी जो मिट्टी थी वो लग रहा था कि इनके ऊपर मस होके अंदर से उस मिट्टी की खुशबू आ रही है सब में, तो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग आई हैड व्हाइल यू नो बीइंग विद द यूनिट, यू नो, जस्ट अमेजिंग। और फिर हम लोग जब वापस आए तो उसी हिसाब से हमने बम्बई में भी जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, तो एक अड्डा हम लोगों ने बनाया था टैक्सी वालों का सेंटा क्रूज में जी। मैं जाके वहां बैठा रहता था, वहां थे महाबली सिंह। उनकी गाड़ियां धोने में कोई वही था उस, मैं हर चीज करता था टैक्सी वाले की उसी गली में। फिर जब लोग शूटिंग करते थे तो सब लोग आके हमारा जो एक घर है यहाँ जुहू में मंदार सोसाइटी में, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप ये समझिए पूरे ड्राइंग रूम में एक 8-10 टैक्सी ड्राइवर खाना खा के अपना खराटे लेते रहते थे, एंड दे एक्चुअली एक्टेड इन द फिल्म, यू नो, इट्स क्वाइट गुड। और उसके बाद फिर और जैसे डबिंग की स्टेज आई, तो डबिंग तो ये लोग जाहिर करवा नहीं सकते थे, ये तो बिल्कुल जो बोल गए वो बोल गए, नहीं भी बोल गए जितना कहा बोल सकते, एंड दे लुक्ड रियल। तो फिर उसकी डबिंग अलग अलग लोगों ने की, ओम पुरी ने की, नसीरुद्दीन शाह ने की, कुलभूषण खरवंदा ने की, तो इस तरीके जो बड़े धुरंधर एक्टर्स थे वो एक्चुअली हम उन सबको ले भी सकते थे, लेकिन आई प्रेफर टू जस्ट स्टिक टू दिस टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ माइन, एंड द रेस्ट इनकी डबिंग बहुत अच्छी की इन लोगों ने, आप देखें ना यू कैन फील कि ये नसीर बोल रहे हैं, ये फना बोल रहे हैं, एंड दे आल्सो वर्क्ड हार्ड ऑन द डबिंग। तो बहरहाल ये फिर उसमें एक पहलू और भी था, वो था कि जब एक पूरा एक वेव आता है माइग्रेशन का, तो जो लोकल लोग हैं बम्बई के उन पे क्या गुजरती है, तो उसको मैंने पूरा एक माहौल बनाया था, उसमें सुलभा देश पांडे, अरविंद देश पांडे, पूरा मराठी थिएटर था, उसमें मैंने उसका गीता सिद्धार्थ का जो भाई है जो सबको वरगलाता रहता है कि अब यहाँ से दुबई चलो, तो के लिए मैंने नाना पाटेकर को चूज किया। नाना पाटेकर की ये पहली फिल्म थी जी। और उसने ही इज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एटलीस्ट एट दैट टाइम, एंड ही वाज नाइस एंड थिन एंड निम्बल एंड छरेरे बदन, बड़ा उम्दा उसका पूरा प्रेजेंस था। ही वाज नाना वाज लाइक माय फ्रेंड प्रॉफिट एंड गाइड आल्सो बिकॉज़ वी गॉट ऑन वेरी वेल, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ you know designing publicity graphics वगैरह वो सब करते थे। तो नाना was like a kind of a एक अजीब सा माहौल था इस पूरी फिल्म का बनाने का, जो मुंबई की जमीन से और एक गांव की जमीन से और वहां के लोगों से एकदम से वो जुड़ा हुआ था जी। और सूरज से फिर इसकी जो it's not fair for a situation, it's rather the situation itself was had inspired
हैड बीन इंस्पायर्ड बाय पोएट्री. हाँ. तो उसमें मैंने फिर ज़ाहिर शहरयार की दो चीजें, एक मखदूम मुहिउद्दीन की और फिर एक मुझे ठुमरी ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी ठुमरी हो जो वहां की मिट्टी से जुड़ी हो जिसमें एक जुदाई की हुक हो. तो वो है ना, आजा संवरिया तो है गरबा लगा लू रस के भरे तुरे में. ये हीरा देवी मिश्रा से मैंने कहा कि आप जितनी यादें ठुमरिया सुनाइए. तो व्हेन शी सैंग दैट ठुमरी आई स्टार्टेड टू क्राई. मैंने कहा ये मामला तो बहुत ही नाजुक है. अगर ये पूरी कैफियत जो है एक गांव वाले की जो शहर आया है उसके पर ही बहुत ही मतलब चस्पा उतरती है. तो बहरहाल वो देन वर्किंग विद जयदेव फॉर मी आल्सो वाज अ ग्रेट डिलाइट. वो उनमें जयदेव जी में एक अजीब सा एक मस्ती, एक नशा था. आई मीन जब से मैंने वो उनकी चीजें सुनी थी अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, ये चीजें मुझे बहुत हॉन्ट करती थी. तो आई वॉन्टेड म्यूजिक विच वॉज लाइक इमर्जिंग आउट ऑफ जैसे जलती हुई टार्ड रोड से एक धुआं निकले और उसमें एक आदमी गाड़ियां तैर रही हो और एक उसकी अपनी एक स्टीम हो, एक रिदम हो, एक वो भी हो और एक शायराना कैफियत हो. तो उसमें वो जैसे सीने में जलन, आंखों में तूफान सकती है, नहीं जो पूरा एक रिदम ऑफ लाइफ है और जो जिस तरीके से वन कुड अचीव दैट एंगस्ट. एंड वो एक्चुअली दीज आर दो तीन गजलें ऐसी हैं जो दे आर मेंट फॉर ड्राइविंग. यू नो मैं मुंबई में बगैर इन गजलों के मैं सड़क पे मुझे एक अजीब सा वो लगता था. ये जब बचती थी गजलें मेरे मेरी गाड़ी में तो मुझे लगता था कि ये एक अजीब सी कहीं से सच्चाई की आवाज जो है वो रेजोनेट कर रही है. तो बॉम्बे एक्चुअली वाज इन दोज डेज एंड इवन नाउ इन सम वे वाज अ सेकंड होम फॉर मी. यू नो इत्तेफाक से के बॉलीवुड एंड आई डोंट सी आई टू आई. सर आपकी फिल्म जो गमन है उसमें जो मुझे बहुत सारे सीन्स बहुत पसंद हैं, लेकिन एक सीन जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी पर्टिकुलरली जो यू नो शायद मैं शायद 15 साल की थी तब देखी थी ये, मुझे वो ताजिया वाला सीन जो मुहर्रम उस टाइम पर वो सीन था वो मुझे इतना रियल लगा. I felt that this was not a set or this was not done. Like they were not. It felt so real at that time. So, kya aap uske baare mein kuch batayenge? Was it Muharram? That day was Muharram, or did you have the actors do it? What was it like? Actually, that was part of the. It was like dialectical. Materialism hai ke ek taraf. ये हो रहा है एक तरफ वो हो रहा है. तो इट्स रियली अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस जी व्हिच आइदर पुल यू इन एंड ड्राइव यू आउट यू नो एंड द सिंबॉलिक मीनिंग टू दैट दैट आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वेंट देयर ऑन दैट डे यू नो बिकॉज वो आप वो चीज आप रिक्रिएट तो कर नहीं सकती. आई जस्ट वॉन्टेड पीपल टू लैसरेट देमसेल्व्स यू नो व्हाट आई मीन. आई वॉन्टेड द सिंबल ऑफ द ताजिया to be larger than life, you know. And I wanted these things as elements that would pull you back into the village and also be with you when you're out of the village, you know. But these were, I think, in that sense, jo humne apni zindagi mein dekha, socha, mehsoos kiya, kuch usse ye milti julti iski kaifiyat mujhe lagi. And to me also it worked. मुझे लग रहा था जैसे आप महसूस कर रही हैं, मुझे भी वैसे ही लग रहा था जब मैं इसको शूट करके एडिट कर रहा था कि एक सी मुहर्रम का एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है जो हिंदुस्तान में तब कई सैकड़ों बरस से यहाँ हो रहा है, गली गली हो रहा है.
हर शहर में करवा रहा है, तो कोई नई चीज नहीं है। तो लेकिन मुहर्रम का जो एक एक सिंबलिज्म है ऑफ इट्स अ वॉइस अगेंस्ट सप्रेशन, इट्स अ वॉइस अगेंस्ट अगेंस्ट ओप्रेशन जी, एक एक तो वो एंड द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, यू नो व्हाट आई मीन। और उसमें आदमी का लाचार होना भी और उस लाचारी में भी एक एक फतेह का एहसास होना, ये चीजें इतनी मुझे लगता है मुहर्रम का एक बहुत बड़ा एक, ना काला लोरो की मैयत किस तरह लायरन से वो फिर वो है किस तरह सब्र होगा एक रात की दुल्हन से, हजरत कासिम का जो पूरा वो अब वो तो समझने वाले पे, लेकिन द होल यू नो द मेलोडी द सिचुएशन एंड द रेजोनेंस एक्चुअली डज टेक यू इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ एक गांव की औरत की मजबूरी जो है वो उससे मुझे लगता है। और फिर पूरा जो एक हमने विजुअल टेक्सचर जो बनता है हमारा मुहर्रम से जी, दैट फॉर मी इज वेरी अपीलिंग, बिकॉज़ मैंने ज्यादातर हिस्सा जो है पूरा मुहर्रम ही में सेट किया, बिकॉज़ ऑल वेयरिंग ब्लैक एंड ऑल देयर ब्लैक्स आर इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड देयर फेडेड ब्लैक्स, ब्लैक्स आर बीइंग पेंटेड ब्लैक, कलर्ड ब्लैक्स, एंड उसका एक जो एक काले से एक एक यूं तो गाँव का रिश्ता हर तरह का होता है, लहरिया रंग भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो जो इस माहौल में जिसमें वो आपकी याद आती रही रात भर का मामला है, उसमें जो ब्लैक है वो एक बहुत सिंबॉलिक है। और दूसरी तरफ शहर में जो एक खाक से जुड़ना है, दरबदर होना है, और तो जो टैक्सी वाले का जो खाकी लिबास है जी, वो बहुत मुझे लगा कि इट्स वेरी पॉइंट, अगर वो कुछ भी पहन सकता था। और शहर में ये भी होता है ना कि शहर में हर इंसान का अपना कोई रंग नहीं रहा है, उसको पॉलिस्टर की कमीजें इतनी दी गई हैं या खरीदी है उसने कि वो लगता है कि कोई अजीब सा प्लास्टिक का कोई बबुआ सड़क पे घूम रहा है। तो I think when I was shooting Gaman, I realized तो वो एक शहर का मतलब subjugation because of convenience and commerce was making people at large quite in a way not very attractive. फर्ज की आप राजस्थान जाए वहां तो आप इतनी रंगीन पगड़ियां और ये सब सुपह दिए वो पहने वहने सब जो घूमते हैं, अगर इनको आप टी शर्ट्स और जीन पहना जीन्स पहना दे तो कौन जाएगा वहां। तो मतलब ये था कि आई थिंक दे वर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, दे वर बिकमिंग लाइक ईच अदर। तो वो मतलब मुझे मुझे तो मतलब वो सीन जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट सीन में वो उनके पास जाता है ठाकुर के पास में एंड देन ही यू नो दैट इनजस्टिस एंड देन इन द बैकग्राउंड दे कैन यू नो यू कैन हियर द थंपिंग ऑफ द यू नो देम बीटिंग देयर चेस्ट। So for me, that was such a powerful scene, जिसके बारे में बता रही थी मैं आपको कि मुझे तब से मुहर्रम is मैंने उसको हमेशा से अपनी जिंदगी भर में ये सोचा कि वो एक इनजस्टिस और एक ऑपरेशन का सिंबल है, जो जैसे आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि वो इतना आज की डेट में भी हम उसको कॉन्टेक्स्ट आज की डेट दिन में भी हम उसको उसी तरह से उसी कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। So I have always felt that scene had to be very, very special for you as well. I mean, बहुत सारे scenes हैं, but sir, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी आज, little away from Gaman. ये जो आपका exhibition है, the other side, वो virtual है,
ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए आपने मतलब कि व्हाट वर योर आर्टिस्टिक कंसिडरेशंस दैट यू हैड टू टेक इट टू द वर्चुअल स्पेस. I had an exhibition of my paintings in Ahmedabad. Can you hear me? Am I यस getting सर. disconnected? सही आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल. तो मैं वहां अहमदाबाद में मैंने एग्जीबिशन की, वो उसके बाद एक उसी का एक एक्सटेंशन, वो तो अभी चीजें वही हैं, फिर एक एक्सटेंशन मैं कर रहा था उसका हैदराबाद में पेंटिंग्स का, बिकॉज बुनियादी तौर पे आई एम अ पेंटर, जी और बचपने से मुझे जो एक हिम्मत और सहारा मिला है वो पेंसिल और पेंट ब्रश से मिला है, और अब भी मैं मतलब हर वक्त पेंटिंग ही मेरे सर पे तारी रहती है, और आई एम बेसिकली अ विजुअल आर्टिस्ट विद अ काइंड ऑफ इमोशनल डायमेंशन विच इज रादर कल्चरल डायमेंशन. तो बत्ती चली गई थी भाई, तो मैं ये कह रहा था कि वो मैं वहां से हैदराबाद जाने वाली थी एग्जीबिशन, और 21 तारीख को होने वाला था उसका ओपनिंग, 21 मार्च को. बट जी व्हाट हैपेंड वाज दैट वी विश नॉट शो जाऊं ना जाऊं ना, तो वो पेंटिंग से चली गई बाय रोड, लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाए, अच्छा तो फिर वी हैड नो ऑप्शन बट टू मेक इट वर्चुअल, टू पुट देम ऑन द नेट, एंड कब वो खुलेगी, कब लोग उनको जाके अपनी नजरों से देखेंगे, दैट वी डोंट नो, बट आई थिंक जब नजरों से देखने का वक्त आएगा तो जाएंगे लोग. लेकिन वो भी एक तजुर्बा था और है कि हाउ टू शेयर आर्ट इन दीज डेज, जी बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी शेयरिंग आर्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आर्टिस्ट लाइक अस, बिकॉज़ मैं बहुत सी चीजें, जहाने खुसरो है जो एक उसकी कैफियत होती थी एक मजमे में, और जी हालांकि बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक एक गैदरिंग तो होती है. अब वो गैदरिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वी हैव टू सी, जी बट जो अंदर एक एक कनेक्ट करने की एक जज्बा है, उसको तो अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उसको तो कहीं ना कहीं से लोगों राइट तक पहुंचना पड़ेगा, और आई डोंट वांट टू गो इनटू द टेक्नोलॉजी ऑफ डूइंग दैट, इज नॉट माय जॉब. माय जॉब इज टू क्रिएट फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक अस, एंड इन फैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ऑल्सो, आई मीन माय पैशन इज टू वर्क विद माय हैंड्स टू डिजाइन थिंग्स एंड टू स्केच थिंग्स. अब उसको लेके दस्तकारी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं सोचता हूँ, मेरा दिल खिंचा वही, मुझे जो इसका दस्तकारी का इंस्पिरेशन मिला वो कमल से ही मिला, कि लोग मजबूर होकर से जाते हैं, अगर हम उनको उनके वो दस्तकारी बढ़ सकती है बहुत यही. उसके बाद अब आज के दौर में मुझे लगता है दस्तकारी बहुत बड़ा एक जरिया होगा लोगों गांव को एम्पावर करने का, गांव में रोजगार पहुंचाने का, और एक जिसे कहना चाहिए लोगों को सेल्फ रिलायंट जी बनाने का. तो उसके लिए हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमने 18 फिल्में भी बनाई छोटी, क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स, जी जी दोज आर फ्रॉम पैन इंडिया फिल्म्स. उसमें से हर फिल्म से मुझे इतना सीखने को मिला कि अगर हम लोग दस्तकारी को एक सेंसिटिव तरीके से समझें, जी और जो हाथ का बना हुआ जो काम है उसको सराहें, तो मुझे लगता है कोई हर कोई इस मुल्क में कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा. क्योंकि क्या गांव में भी क्या होता है, हम लोग बहुत जो सेल्फ रिलायंस है उसको हम लोग तोड़ रहे जी हैं, हम लोग हर वो शहर की चीज गांव को मुहैया करके दे रहे हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है. जी गांव को अगर गांव के लोग अपना खुद ही चीज बनाए और खुद ही
उसको आपस में जो गांधी जी का एक ख्वाब था ना स्वराज का, तो मुझे लगता है कुछ उस तरह से हमको आज की तारीख में सोचना पड़ेगा कि हाउ टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट एंड टू हाउ टू मेक, अब ये जितने भी आप हजारों लाखों लोग जो बेघर हुए हैं और वो घर पे जाके क्या करेंगे, ये तो सोचिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि उनके लिए कुछ एक क्रिएटिविटी उनके उनको देना पड़ेगी कि वो जो भी काम करें उसमें एक खुशी होना चाहिए, उसमें बरकत हो और उसमें वो है इतना हुस्न और इतनी बरकत हो कि वो लोग खुद उसको सराहेंगे, लोग कहेंगे अरे हमको तो यहाँ ये चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि यू कांट डू इट मैकेनिकली, यू कांट डू इट यू नो लाइक बिजनेस, यू नो यू डू इट लाइक अ पैशन एंड द वर्ल्ड इज एक्चुअली टुडे इट हैज ओपनड अप अ होल ओशन ऑफ पैशन। पहले तो जो भी हुआ अब नए नए तरीके से लोगों के लोग जागे हैं और लोग आगाह हुए हैं और लोगों में एक एहसास पैदा हुआ है, ठीक है खतरे जो है वो है लेकिन खतरे के अलावा उसके लिए तो एक एहतियात का जरिया है, लेकिन एहतियात के अलावा जो एक लोगों को एक क्रिएटिव हेलो जी सर, बीच में थोड़ा सा हैंग हो गया था सर। मैं ये तो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए ये। एक चीज मेरी सहेली ने अभी एक मैसेज भेजा है आपके लिए, क्योंकि उन्होंने, किरण नाम है इनका, इन्होंने पूछा है कि आपकी एग्जीबिशन बहुत साल बाद, बहुत अरसे बाद हुई, उसमें एक जो कलर है ब्राउन, वो एक पर्टिकुलर ह्यू में वो देख पा रही हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये कलर क्यों यूज किया, ये चॉइस थी, ये खुद ब खुद ऑर्गेनिकली हुआ, ये कैसे हुआ? देखिए रंग जो है वो रंग कैसे बोलता है और रंग कैसे महसूस करती है ये पूरी एक अपनी दुनिया है, और ब्राउन एक ऐसा रंग है कि वो उसके बहुत से शेड्स हैं, बहुत सी चेहरे हैं, बहुत सी नकाबे हैं, और ब्राउन को समझना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जब तक आप जमीन से जुड़ी ना हो आप, अब जैसे मैं सुबह उठ के जब चलता हूँ तो पत्तियां जो गिरती हैं उनको मैं बीना करता हूँ, और हर चीज में मैं एक ब्राउन का अलग पहलू ढूंढता हूँ जो मिलता है। तो वो अब ये पेंटिंग भी हुई है, सब में एक ब्राउन की कैफियत है, या फर्स कीजिए एक फर है, इसमें भी एक ब्राउन का जी के रंग है जी। अब ब्राउन कैसे अल्लाह ने बनाया है ये जो चीज है इसको हम जी सर, कैन यू हियर मी? फैक्टर जो बताती कि ये रंग हमारे हैं। हाँ जी, सो हाँ ये जो रंग बताते हैं वो रंग खुद बताते हैं कि ये हम हैं, ये हमारे हमारी पहचान है। तो हमने एक धीरे धीरे करके हर चीज को मैं ब्राउन को अपने हिसाब से घोलता हूँ, उसको मिलाता हूँ, उसको घिसता हूँ, तो इट बिकम्स अ डिफरेंट, आई मीन इट हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो मुझे तो लगता है कि अब ब्राउन एक ऐसी चीज जो मुझे लगता है मेरे साथ हमेशा से चल रही है, उसके साथ कभी काला मिल जाता है, काला एक काले को भी मैं
ब्राउन के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे वहाँ हम डाइंग करते हैं अपने गांव में, तो मैं खुद बैठ के वहाँ रंग बनाता हूँ जिसमें हम धागे रंगते हैं, जिससे हम दरियां बनाते हैं। अब वो दरियों में जब तक वो खास टोन नहीं आएगा तब तक हमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि बाजार में तो आपको बहुत अलग मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई हमारा ही ऐसा बेवकूफ मिलेगा जो बैठा रहेगा कि नहीं नहीं और मिलाओ और ये करो और वो करो, और फिर सूखने के बाद अरे ये क्या हो गया फिर वो क्या हो गया, तो वो उससे मतलब इस इज्जत की पड़ने वाला हमारा ही ऐसा आदमी होगा। बट फॉर मी इट्स ब्राउन एक सूफियों का रंग भी है, एक फना का रंग भी है, तो फना एक सबसे बड़ी चीज है तसव्वुफ में कि अल्लाह के साथ जब मिल जाता है तो जाहिर उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती, तो वो आई थिंक ब्राउन इज दैट वे कलर सेलिब्रेशन। ये लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी बहुत ही रिच, बहुत मीनिंगफुल जर्नी रही है अभी तक, मियांडर करती रही है अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के थ्रू, और अभी तो मुझे जितना पता है मैं उतना बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ आप और भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो जैसे पेंटिंग्स, आपकी पोइट्री, आपका खुद का आर्ट, और फिल्म ऑफ कोर्स, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, ये जितना भी तमाम ये जो दुनिया में आप अभी ड्वेल ड्वेल करते हैं, ये इन सब डाइवर्स आर्ट फॉर्म से आपको लगता है आपका खुद जो आपका अपना एवोल्यूशन एज एन इंडिविजुअल और आपका खुद का बीइंग जो है वो आप बता सकेंगे कि कैसे आप आपको फील होता है, आपको महसूस होता है? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ज्यादातर वो यंग अडल्ट हैं, और उनको बताया जाता है कि ये हार्ड स्किल्स नहीं है, और ये आप इस तरह से आप मतलब कि इसमें क्या कमाई है या इसमें आप क्या कमाएंगे, तो लेकिन मैंने देखा है जो ये बहुत संवेदनशील, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, वो लोग बहुत बुरा लग जाता है उनको, उनके पेरेंट्स अगर ये सब बोलते हैं तो सर अगर आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी अपनी जिंदगी के जर्नी के थ्रू, तो शायद मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को काफी अच्छा लगेगा सुन के। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था सफर अपना, साइंस पढ़ के नौकरी करने का इरादा था, वो भी जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करके, लेकिन बीच में कहीं मैं रास्ता भूल गया, बल्कि रास्ता मुझे एक और मिल गया, सही सही कहिए या गलत कहिए, और वो रास्ता जो मिला मुझे वो था ऐसा रास्ता जिसमें आंखों पे पट्टी बांध के चलने वाला रास्ता था जी। मुझे शायरी का रास्ता मिला, और ये भी इस हिदायत के साथ मिला, अगर अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो शायरी मत करना, तो मैं सिर्फ शायरी कभी नहीं करता था, सिर्फ शायरी सुनने के की कैफियत में रहता था। मुझे लगता है आज के भी बच्चे जो अगर वो शायरी करने से ज्यादा शायरी महसूस करना शुरू करें तो एक बहुत बड़ी उनको एक विरासत मिलेगी, चाहे नौकरी कुछ भी करे, लेकिन शायरी जो है वो एक हर चीज को एक मतलब मोहब्बत और इंसानियत में रंग देती है। तो अगर आपको शायरी एक हैप्पीनेस इज अ मदर आर्ट, एंड फॉर मी इट्स नॉट माय आर्ट, आई एम नॉट अ पोएट, बट आई वर्शिप फॉर्म ऑफ आर्ट, और बल्कि जो मेरा ये शायरी का रास्ता, इट इज टेकिंग मी बैक इनटू पोएट्स हु डोंट वर नॉट देयर, वो आर बी आज भी इनको शायरी का एक ऐसा नशा है जो हर गाने वाले पे तारी है, और वो गाता है और यंग लोगों को महक कर देता है।
तो बेसिकली दैट वे आई थिंक इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिव जर्नी टू बी ओपन टू काइंड ऑफ यू नो द सेंसिटिविटी ऑफ पोएट्री. मैं ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था कि बच्चे भाग ना बच्चों को दे मस्ट रियलाइज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री यू नो एंड द स्टोरी ऑफ पोएट्री द आर्ट ऑफ फीडिंग लाइफ थ्रू पोएट्री. मैंने फिल्में भी बनाई हैं 14 फिल्में ज़बाने इश्क के नाम से और 14 उर्दू पोएट्स. दे टेक यू थ्रू अ स्लाइस ऑफ समबडीज लाइफ and through that his poetry is brought to life. So poetry ko mujhe lagta hai ek samajhna jo hai wo bahut important cheez hai aur isi se hamari har film bani hai. Gaman ho ya Amrojan ho ya Agaman mein bhi jo ek alag tarike ka aapko intilabi kaifiyat milegi ya fikr ki kaifiyat milegi wo shayari se hai. अंजुमन कश्मीर में जूनी बना रहा था. तो पोएट्री इज लाइक अ ड्राइविंग फोर्स एंड आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट पोएट्री एंड आई थिंक नाउ समथिंग लाइक दिस अ काइंड ऑफ अ फीलिंग लाइक दिस देन टेक्स यू थ्रू ऑल आर्ट फॉर्म्स. जब पोएट्री होगी तो आपके पास इमेजरी होगी, इमेजरी होगी तो आपके पास एक कंपोजिशन बनेगा, कंपोजिशन के साथ आपको एक कलर पैलेट बनेगा. अगर आप में पोइट्री नहीं होगी तो कोई इमेज नहीं बनेगा, कोई पैलेट नहीं बनेगा, कोई कोई लिबास नहीं मतलब अबेगा. तो हर चीज जो है वो एक कहीं ना कहीं उसमें एक शायराना अंदाज है जो आदमी को हसीन तर बनाता है. वो कपड़ों में भी आप देखना, अगर उसमें वो शायरी नहीं है तो क्या है, मेरी रगबरग में समाए तो गजल अर्ज करे. आई ओपनिंग connection is very bad. So, जी सर, जाने से पहले मैं ये कहना चाहती थी और आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, इस साल ईद हमारी बहुत अलग है और बहुत शायद हम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में तो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया. आप हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को एक ईद का मैसेज देना चाहेंगे? अब हम लोग तो इस 2-3 महीने में बहुत जिसे कहना चाहिए तन्हाई पसंद हो गए हैं और इस तन्हाई में जब अपने आप से मुलाकात होती है तो यही अपनी जगह पे एक ईद होती है. और इस मुलाकात के साथ आप लोगों को महसूस करते हैं उनके बारे में, एक उनसे आज के माहौल में जो मिलना और ना मिलना एक एक जीने की अदा बन गया है उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो ईद तो मुझे लगता है एक एक जाहिरी चीज है, आउटवर्ड चीज है. अंदर की ईद जो है वो तो आदमी, मुझे लगता है कि आदमी की अपने आप से जब मुलाकात होती है तो वही उसकी ईद होती है. ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ओवर फॉर दिस लिटिल एपिसोड एंड यू नो व्हाट, आई हैव रियली एंजॉयड योर न्यू आर्ट, आई मीन योर आर्ट वर्क एंड आई एम पुटिंग दिस अप फॉर माय स्टूडेंट्स टू सी. दे मे हैव क्वेश्चंस मोर देन योर द कलर ब्राउन. बस एक क्वेश्चन अभी आया, ले सकती हूँ क्या? मर्जी आपकी, हम तो आपके कैदी हैं. नहीं, मैं आई एम माइंडफुल क्योंकि आप 3 मिनट बचे हैं और आपकी वॉक शुरू होने, आपने मुझे बोला था 5:30 बजे मैं वॉक पे जाता हूँ.
ये पूछना चाह रहे थे, ये क्वेश्चन आया, पेंटिंग और सिनेमा दोनों विजुअल मीडियम्स हैं, तो आपके लिए क्या ये ओवरलैप करते हैं? जैसे ऑल्दो यू आंसर्ड दिस, बट दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ डियर फ्रेंड, पेंटिंग्स एंड सिनेमा आर टू विजुअल मीडियम्स, आर देयर एनी ओवरलैप्स फॉर यू? देखिए, फिल्म इज अ डायनामिक मीडियम, इट्स अ मीडियम व्हिच हैज मूविंग पिक्चर्स, मुहर्रम की बात है ना, तो उसमें एक इमेज दूसरे इमेज से जुड़ के creates an implosion of thought. It imparts intelligence to a cut. जो visual medium है वो एक एक अलग कैफियत है, उसमें एक stillness है, उसमें एक एक अपनी एक समंदर है जिसमें आदमी डूब जाने की उसमें रहता है और डूबोने की कोशिश में रहता है. तो पेंटिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायलॉग विद योर सेल्फ एंड विद योर ऑडियंस. यू लिव विद पेंटिंग एंड लिविंग विद पेंटिंग आई थिंक इज अ लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस. इफ आई डोंट हैव माय पेंटिंग बिफोर मी एंड आई डोंट सी देम एवरी डे, आई हैव नो आइडेंटिटी, यू नो. तो वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज. लेकिन अगर आप इसे, मैं एक फिल्म बनाने से पहले हर सीन को स्केच करता हूँ, आई नो द मिजा सीन, आई नो हाउ द कैरेक्टर विल लुक एंड हाउ द स्पेस विल लुक एंड हाउ द कैरेक्टर विल मूव थ्रू स्पेस एंड डू दिस दैट, एंड पूरा उसकी जो एक एक्शन है वो पूरा मैं स्केच कर लेता हूँ, तभी मैं आई गो बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज अदरवाइज आई वुडंट नो व्हाट टू डू, यू नो, यू गेट लॉस्ट बिफोर अ कैमरा, कहाँ से क्या करें. देन यू The art of framing and the art of dynamic framing, I think, comes from your preparedness, you know? And that preparedness for films comes through painting, you know. And a certain color scheme, you know, okay, this is the patina you'd like to work with. This is, I think, it's all about writing with light, you know. You are basically creating light. हर चीज़ तो अंधेरे में है. अब उसमें वही चीज रोशन होगी जो आप इसको रोशन करना चाहिए. वो कैसे रोशन होगी और कैसे वो रोशनी अपना खेल करेगी, ये सब चीजें जो है वो मेक सिनेमा सिनेमा एंड पेंटिंग कम्स टू इट्स हेल्प. वंडरफुल, थैंक यू, बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर. And thank you. And hope you have a wonderful Eid tomorrow and great reflection time. Okay, sir. Thank you again. Thank you. Khuda hafiz. Khuda hafiz, sir. Eid Mubarak aap sabko. Aapko bhi Eid Mubarak, aapke ghar mein sabko. Sir, Kotwari kab jana ho raha hai? ये आपने बहुत ही दुखता भरा सवाल पूछा है. मुझे लगता है कि शायद रास्ता खुले रहा यहाँ से जी. मुझे लगता है बैठेगा, बट आई थिंक maybe in another 15-20 days we should go to Kurbana, because वहाँ पर बहुत लोग हमारे सारे रहते हैं जी, और बैठे उसके साथ में, हालांकि उससे बराबर रहता है लोगों से, उनको जो हम काम कर सकते हैं जी, दरिया हम बना रहे हैं, दरियों के डिजाइन है वो सब उनके साथ बैठ के काम करना पड़ता है जी. और तो आई थिंक कुटवारा तो एक बहुत बड़ा, in fact today it's more relevant to go to Kutwara than any other place, because I think aur kahin kuch hamare liye rakha na. Aapne aaj aapne bahut bahut kuch de diya aaj sochne ke liye, khaas karke jo aapne Eid ke bare mein bola, bahut mujhe bahut touch kiya sir wo,
कि किस तरह से रेजोनेट किया बिल्कुल, जो मैं मतलब शायद मैं आर्टिकुलेट ही नहीं कर पाती उसको, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. थैंक यू, हैव अ ग्रेट थैंक इवनिंग, खुदा हाफिज. यू.